एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने रादौर एरिया से हैप्पी नाम के स्मैक तस्कर को 17 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। हैप्पी रादौर एरिया में युवाओं को स्मैक सप्लाई कर रहा था। किराए के मकान से हैप्पी अपना नेटवर्क चला रहा था। जैसे ही एंटी नारकोटिक सेल की टीम को इस बारे सूचना मिली तो उन्होंने अपनी टीम के साथ छापेमारी करते हुए हैप्पी को 17 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 1 लाख रुपए के करीब है। हमारे को एक सूचना मिली थी कि रादौर एरिया में एक युवक स्मैक का काम कर रहा है और नाबालिग बालकों को ये नशा बेच रहा है, जिसके आधार पर हमने मुखबिर के आधार पर हम टीम को गठित किया और टीम को गठित करने के बाद मुखबिर के इशारे पर ही एक युवक को काबू किया, जिसने नाम अपना हैप्पी बताया, जिससे राजपत्र अधिकारी को बुलाकर मौके पर बुलाया गया और उसके सामने तलाशी ली गई, जो तलाशी के दौरान युवक से 17 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और माननीय पुलिस अधीक्षक यमुनानगर श्री मोहित हांडा जी के दिशा निर्देशों अनुसार जिला में नशे पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर कार्रवाई की जा रही है और माननीय पुलिस अधीक्षक यमुनानगर की जो सख्त निर्देश हैं कि जो भी नशे का कारोबार कर रहा है उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और ना युवक को कोई उनको बताया दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो नशा ना करें और प्रगति की तरफ अपना वो करें, अपना भविष्य उज्ज्वलित करें, ताकि नशा एक शरीर को बिल्कुल खत्म कर देता है और मृत्यु की तरफ जो ले जाता है। नारकोटिक सेल की टीम आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी, ताकि इस पूरी चैन का भांडाफोड़ हो सके और इसके तार कहां कहां से जुड़े हैं उस पूरे नेटवर्क तक पहुंचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।